हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 को, जो कि है एब्जॉर्प्शन बाय रूट द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड। तो गाइस, मैं इसके ऑलरेडी दो पार्ट बना चुका हूं, अगर आपने वो दोनों नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए गाइस, आज थर्ड पार्ट के पहले टॉपिक से हम शुरू करते हैं, जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो गाइस, आपकी इस वाली बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम्स गिवन है, तो आप डायग्राम देख के भी आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी एग्जर्टेड टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन व्हेन द टू आर सेपरेटेड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें से देखिए होता क्या है। अगर जो हमने पहले वाला, अगर आपको याद होगा, मैंने ये पहले जो डिस्कस करा था डायग्राम, तो इस डायग्राम में हमने क्या पढ़ा था कि शुगर सॉल्यूशन, जो हमारा शुगर सॉल्यूशन है, इसका लेवल राइज करेगा और वाटर का लेवल डिक्रीज करेगा। यही हमने सेम एपरेटस ले लिया है यहाँ पर भी, बस हमने क्या है, इसके ऊपर कोई पिस्टन नहीं था, ये फ्री था। अब यहाँ पे हमने पिस्टन लगा दिया है, ये एयर टाइट पिस्टन है, और इसमें हमने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा हमने फोर्स पे अप्लाई कर दिया है। तो हम क्या देखेंगे गाइज, यहाँ पे जब हमने इस पे थोड़ा फोर्स अप्लाई करा और इस पिस्टन को जैसे हमने थोड़ा फोर्स अप्लाई करा और प्रेस करा, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रेशर क्रिएट हो गया। और इसके बाद क्या होता है गाइज, एक यहाँ पे आप मैजिक समझिए कि यहाँ ऑस्मोसिस अब नहीं होगा। अगर हम कुछ टाइम बाद भी इसको ऑब्जर्व करेंगे, सेम एपेरेटस को रख देंगे और थोड़ा टाइम बाद ऑब्जर्व करेंगे, तो इन दोनों का लेवल जो है अनचेंज्ड रहेगा। अब ये क्यों रहेगा, क्योंकि इस पे हमने प्रेशर, उतना ही प्रेशर अप्लाई करा है जिसने ऑस्मोसिस के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया है। तो उस प्रेशर, वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस के इफेक्ट को नलीफाई कर दे, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये मैंने जैसे आपको डायग्राम से समझाया है, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो गाइस क्लियर हो चुका है और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी गिवन है। अगला बात करते हैं अब टोनिसिटी की। अब टोनिसिटी क्या होता है, अब गाइस इस बुक में जितने भी अभी आपने जो एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर है, उसमें बहुत सारे टर्म्स आपके लिए नए हैं जो आपने पहले सुने नहीं होंगे। तो वैसे ही एक टर्म और आता है जो कि है टोनिसिटी। अब टोनिसिटी क्या होता है, टोनिसिटी इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन एंड द एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब टोनिसिटी क्या होता है कि वो आपको रिलेटिव कंसंट्रेशन बताता है सॉल्यूशन का, कि वो कितना कंसंट्रेटेड है, और कंसंट्रेशन से हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन में वो फ्लो करेगा और कितना, कितने टाइम तक उसका डिफ्यूजन होगा। तो ये किससे पता चलता है हमें, टोनिसिटी से। अब जो टोनिसिटी की अब हम बात कर रहे हैं, तो अब हमारा जो सॉल्यूशन, हमने पढ़ा कि ये सॉल्यूशन पे रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन मेन टर्म है। अब कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, तो हमारे पास होते हैं गाइस 3 टाइप के सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप टोनिसिटी भी बता सकते हैं, यहाँ ऊपर पे 3 आप लिख सकते हैं, जिससे आप आराम से रिवीजन करने में आसानी हो। तो अब पहला आता है आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक क्या होता है, तो आइसोटोनिक क्या होते हैं, द सॉल्यूशन विच हैव रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द सॉल्यूट ऑन ईदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन द सेम प्रपोर्शन। आइसोटोनिक क्या होता है गाइज, मैं आपको एक आसानी से समझा देता हूँ। हमारे पास दो कंसंट्रेशन, सपोज ये बुक के जो दो कॉलम है, ये एक कंसंट्रेशन हो गया, ये दो कंसंट्रेशन हो गया, तो ये दोनों कंसंट्रेशन में अगर सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इस सॉल्यूशन को बोलेंगे आइसोटोनिक। तो इसमें क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज, ना इनवर्ड फ्लो होगा वाटर, ना आउटवर्ड फ्लो होगा। ठीक है, तो आइसोटोनिक का मतलब इक्वल, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, आइसो का मतलब सेम और टोनस का मतलब टेंशन, तो सेम टेंशन। ओके, अगला बात करते हैं हम हाइपोटोनिक की। हाइपोटोनिक का मतलब लोअर। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इन दिस कंडीशन या इन दिस सॉल्यूशन द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल हैज लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द फ्लूइड इनसाइड द सेल। तो अब इसमें होता क्या है, अगर जो हमारा बाहर का कंसंट्रेशन है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, जो हमारा आउटसाइड जो सेल है, सपोज ये वाला, इसका एग्जांपल ले लेंगे, ये सेल है, इसके बाहर का जो कंसंट्रेशन होगा, इसमें क्या होगा, कम सॉल्यूट्स होंगे, यहाँ वाटर का मतलब वाटर का हाई कंसंट्रेशन है, और यहाँ वाटर का, अंदर वाटर का क्या है, वाटर का लो कंसंट्रेशन है सेल के अंदर।
सॉल्यूट, ध्यान से सुनिए, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है। अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है मतलब वाटर का कंसंट्रेशन लो होगा। सॉल्यूट और वाटर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समझ सकते हैं, जितना ज़्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा उतना कम वाटर का कंसंट्रेशन होगा। अभी यहाँ पे देखिए हाइपोटोनिक में क्या होगा कि आउटर जो मतलब सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन हाई होता है और इनसाइड द सेल वाटर का कंसंट्रेशन लो होता है। तो वाटर जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा। अब हायर से लोअर में मूव करेगा तो मतलब अभी यहाँ बाहर हाई था अंदर लो था, तो हायर टू लो मतलब बाहर से अंदर जाएगा लिक्विड। अब बाहर से अंदर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, वो स्वेलअप हो जाएगी, फूल जाएगी सेल। इसका बेस्ट एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हैं, किशमिश हो गई, जो हमारे रेजिन्स होते हैं अगर जब हम उन्हें रात भर पानी में डाल देंगे तो सुबह हम देखते हैं कि वो फूल गए हैं। तो वो क्यों होते हैं, वो एक हाइपोटोनिक एग्जांपल आप उससे समझ सकते हैं। अभी इस टाइप के सॉल्यूशन और जो इसमें फिनोमिना हो रहा है ऐसे सॉल्यूशंस में, इसे क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस। ये टर्म मैंने पहले डिस्कस कर दिए हैं। हाइपोटोनिक भी गाइज अब क्लियर हो गया है, जिसमें इनवर्ड फ्लो होता है। अब देखिए हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अंदर जो सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन, सपोज अब ये मैं हाइपरटोनिक ले लेता हूँ, ठीक है, अभी हाइपरटोनिक ले लिया तो इसमें क्या होगा, अंदर जो है वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और आउटसाइड द सेल वाटर का कंसंट्रेशन लो है। अब इस केस में क्या होता है कि अंदर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और बाहर वाटर का कंसंट्रेशन लो है, तो इस केस में क्या होता है, वाटर जितना भी सेल से होगा, सेल से सारा पानी बाहर मूव करेगा, मतलब सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा पानी, सेल से सारा पानी खींच के बाहर मिक्स हो जाएगा सॉल्यूशन के साथ। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब जो इसमें प्रोसेस होती है कि जो वाटर का रिमूवल हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों टर्म क्लियर हो गए होंगे आपको ये तीनों टर्म। अभी गाइज मैं एक और चीज आपको क्लियर कर देता हूं, अगर ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा है अभी भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आपको ये थिन लाइन डिफरेंस समझ में आ गया तो आपको पूरे चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो क्या है, यहां पे ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है, हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, मैंने यहाँ वाटर बताया है, जितना ज्यादा जितना हाई सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा, सॉल्यूट का जितना ज्यादा कंसंट्रेशन हाई होगा तो वाटर क्या होगा, वाटर उतना कम होता जाएगा। अब इसको कैसे समझेंगे, सपोज एक कंटेनर है यहाँ पे मेरे पास, मैंने एक कंटेनर ले लिया, सपोज ये इसका बेस है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है, सॉल्यूट ने ज्यादा कवर कर रखा है स्पेस, तो वाटर को क्या होगा, कम जगह मिलेगी। अब वो बोल रहा है कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है, अब सॉल्यूट ने पहले से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है तो वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या है, कम स्पेस है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, कम होंगे, तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन। अब इसका क्या है, आपके पास हाई कंसंट्रेशन। तो ये आप समझ गए हैं, इसको आप को अगर ये समझ में आ गया, ये हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन का क्या है। अब ऑस्मोसिस की बात करते हैं, यहाँ पे अब ऑस्मोसिस की बात चली रही है, उसे भी क्लियर कर देते हैं। ऑस्मोसिस में क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, ये H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, मतलब जहां वाटर का हाई कंसंट्रेशन होगा वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ये है ऑस्मोसिस, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको पूरे आगे जितने भी टर्म्स आएंगे वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बेसिकली मैंने खुद ये प्रॉब्लम फेस करी है। ये हाई कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन का जो टर्म है ना, ये आपका बहुत दिमाग खराब करेगा शुरू शुरू में, मगर अगर आपको ये समझ में आ जाए तो पूरा चैप्टर आपको बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। अब द रिजल्ट मे बी एस फॉलो, अभी ये बता रहा है कि इसमें क्या क्या रिजल्ट होंगे अगर ये सॉल्यूशन है। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में मैंने कोई चीज रख दी तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा उसके शेप में, वो जैसी थी वैसी ही मिलेगी हमें कुछ टाइम बाद। अभी हम क्या करेंगे, अगर हम हाइपरटोनिक में रखेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सेल जो होगी श्रिंक हो जाएगी, समझ रहे हैं,
हाइपरटोनिक, अभी देखिए ये सीक्वेंस वाइज नहीं है, यहाँ पे इसने हाइपरटोनिक पहले बता दिया है। हाइपरटोनिक में रखेंगे तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और यहाँ पर वहीं अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। ठीक है, तो उसने तीनों के रिजल्ट भी बता दिए हैं कि इन सॉल्यूशन में किसी भी सेल को रखने पर उनके शेप में क्या चेंज आएंगे। अगला टर्म आता है गाइज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द पैसेज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू अ लिविंग परमिएबल मेम्ब्रेन। गाइज एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है इसमें क्या होता है कि लोअर से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू अ लिविंग सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यूज ऑफ एनर्जी, यहाँ पे क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑस्मोसिस से अपोजिट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस में अगर आपको डिफरेंस पूछा जाता है तो उसका डिफरेंस क्या है, एक तो सबसे पहला जो टर्म है वो क्या है, उसकी डायरेक्शन का। ठीक है, एक तो डायरेक्शन का हो गया, दूसरा एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये एक डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होती है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन अपोजिट होती है किसके, ऑस्मोसिस के। ठीक है, मतलब ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होती है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर, मगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्या होती है, लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ऑस्मोसिस में कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, मगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को आपको समझाते हुए बता रखा है यहाँ पे। अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का गाइज ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। अभी इस पैराग्राफ में लिखा क्या है गाइज, इसमें बता रखा है कि हमारे जो रूट है, रूट का फंक्शन क्या होता है, जो एक प्लांट है ना, सपोज ये नॉर्मल, यहाँ पे एक प्लांट ले लिया मैंने, ये एक नॉर्मल प्लांट है, इसकी नीचे क्या होंगी, बहुत सारी रूट्स फैली हुई रहती हैं। ठीक है, इस तरीके से। अभी रूट का काम क्या होता है, मिनरल्स का अपटेक करना। ठीक है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके पहुंचाती है। मगर सॉइल में क्या रहते हैं, बहुत सारे आपके पास ऐसे मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं या फिर ऐसे आपके पास सॉल्यूट्स रहते हैं जिनका कंसंट्रेशन ऑलरेडी हाई होता है, किससे, सेल सैप विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, रूट हेयर के सेल सैप से हायर कंसंट्रेशन होता है। तो अब ये अपने खुद से तो अंदर इनवर्ड मूव करेंगे नहीं, तो इनको जबरदस्ती ऊपर खींचना पड़ता है, अंदर खींचना पड़ता है कि इन्हें, क्योंकि देखिए ऑस्मोसिस में क्या होगा, ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता था, नॉर्मली मिनरल्स का अपटेक हो जाता था क्योंकि अंदर का कंसंट्रेशन हाई था और बाहर का कंसंट्रेशन लो था। अभी ध्यान से ध्यान रखिए, अंदर वाटर का कंसंट्रेशन था लो और बाहर वाटर का कंसंट्रेशन हाई था, तो इसलिए वो इनवर्ड मूव कर जा रहा था। अंदर जितने भी मिनरल्स थे उनका कंसंट्रेशन कम था, सॉइल में ज्यादा था, तो इसीलिए वो मूव कर जा रहे थे। मगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि बाहर के जो मिनरल्स रहते हैं इनका कंसंट्रेशन क्या रहता है, लो रहता है, और अंदर हायर कंसंट्रेशन में ले जाने के लिए इन्हें जबरदस्ती ले जाना पड़ता है, जिसके लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और वो एनर्जी किसके फॉर्म में मिलती है, एटीपी के फॉर्म में, जो प्लांट जनरेट करता है। तो इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, वो सिमिलर, देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ऑस्मोसिस के सिमिलर होता है, वैसे ही पैसिव ट्रांसपोर्ट के डिफ्यूजन के सिमिलर होता है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, रेफर्स टू, इसमें क्या है, देखिए कोई एनर्जी नहीं लगती है, ठीक है, और फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। पैसिव में क्या होता है, सेम टू सेम हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइस टर्जिडिटी एंड फ्लैशिडिटी के बारे में, जो कि एक अच्छा टॉपिक है। और अगली वीडियो में मैं इस पूरे टॉपिक को, आई होप एक और पार्ट, हाँ अगला पार्ट हो सकता है थोड़ा लंबा बने, क्योंकि अभी मेरे फोन में थोड़ा स्टोरेज इशू आ रहा है, तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। और गाइस जाते जाते मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप ये डिफरेंस टेबल यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन के लिए पूरे पैराग्राफ रिवाइज नहीं करने, सिर्फ ये टेबल रिवाइज करनी है। जैसे कि डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में क्या होंगे कि जो भी यहाँ पे आपको अलग अलग पैरामीटर्स बता रखे हैं कि डिफ्यूजन में क्या होता है, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन तीनों में डिफरेंस इनका कंपैरिजन किया गया है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। इसकी अगली वीडियो भी मैं शायद कल ही अपलोड कर दूंगा, और इसको, इस चैप्टर को जल्दी से खत्म करते हैं।
थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।